खबर गाजीपुर से है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही से नवजात की मौत का आरोप लगाया। मामला दुल्हपुर थाना क्षेत्र के हरदासपुर गाँव स्थित जीवन दीप हेल्थ केयर सेंटर का है। यह प्राइवेट हॉस्पिटल बगैर पंजीकरण के अवैध तरीके से चल रहा था। नवजात की मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि खुदा बख्शपुर गांव के रहने वाले मुकेश ने अपनी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए जीवन दीप हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हैरान करने वाली बात यह थी कि अस्पताल संचालकों ने पहले तो महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराने का झांसा दिया। महिला को एक ऑटो में बैठाकर कुछ देर तक सड़कों पर घुमाया। अस्पताल संचालक झोलाछाप डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि ऑटो में घुमाने से प्रेशर बनेगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन महिला का डिलीवरी पेन ना होने पर अस्पताल में सीजेरियन के जरिए महिला का प्रसव कराया गया। आरोप है कि प्रसव के दौरान नवजात की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू किया। अस्पताल संचालक अपने साथियों के साथ नवजात के शव को लेकर भागने लगा। पीड़ित परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले के तफ्तीश में जुटी। मुकेश कुमार, मुकेश जी, आपकी पत्नी को जो परसों डिलीवरी होनी थी रात में, हाँ, तो घर से जब आप लोग चले तो कहाँ कहाँ गए थे? छतमा गए थे। छतमा किसके यहाँ? वहाँ का नाम नाम नहीं जाने उनका। जी जी। पापा वाले गए थे तो बोले टेम्पो में 10-5 मिनट घुमा दो। हाँ। घुमाए बाद फिर बोले कि जाओ ऑपरेशन करा दो। मुकेश फिर गए डॉक्टर के पास, वो बोला कि नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगा। ठीक। फिर 1 बजे रात में कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाया, ऑपरेशन किया, बोला कि 2 घंटा बच्चा। वही डॉक्टर किया, कोई दूसरा? वही डॉक्टर बोला है वो। तो अपने आप, हाँ, फीका के ऑपरेशन किया कि बोला 2 घंटा लड़का जिंदा था, ये मर गया। तब फिर बोला कि चलो वहाँ नदी है रामन काजा, वहाँ भी गवा दे रहा हूँ, एक चाहिए यहाँ खंजाड़ उसमें भी गवा दे रहा हूँ लड़का को, और एक नदी यहाँ मंगई नदी धामपुर में वहाँ भी गवा दे रहा हूँ। मैं बोला भाई भिगवा मत लड़का को, पुराने थे। फीका हुआ कि सुबह की बोला कि जब पापा लोग जा रहे थे लड़का उगाड़ने के लिए, फीका हुआ कि उधर से डॉक्टर फोन किया कि लड़का को मत गाड़ो, लड़का का लेकर आओ। फीका के वहाँ से लड़का को डॉक्टर लोग गाड़ी में बैठाए लेकर भागे हैं जलालाबाद चौराहा पर। हाँ, डॉक्टर लोग क्यों वहाँ से लोग भागे थे। फिर वहाँ से चाचा वाचा लोग वो खियाए गाड़ी से, वो लोगों को पता नहीं, फिर जाके लड़का रख दिए। फिर लोग आए थे पत्रकार कर लो। तो कुल मिला के मतलब आपने उस डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दिया है? हाँ। मुकदमा करने के लिए? हाँ। मुकदमा हुआ है कि नहीं अभी? अभी हो रहा है मुकदमा। अच्छा ये बताइए, जो जो डॉक्टर ने कहा था कि टेम्पो में घुमाने के, वो मतलब क्यों, मतलब वो कहा था टेम्पो में घुमा दीजिए क्या? जैसे लड़का हो भी सकता है, वो डॉक्टर ने कहा था। हाँ। तो कितने दूर और कितने समय तक घुमाया? ज्यादा दूर नहीं हुआ, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट टेम्पो घुमाया था। हाँ। वो सड़क सही थी या खराब? सही था, पूरा पीछे था। हाँ। टेम्पो घुमाने से मतलब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही थी? हाँ। तो भी उसके बाद भी नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। फिर बोला कि ले जाओ वहाँ, फिर यहाँ पे जब जलालाबाद गए ना जिन दीप वाला पे, तो बोला कि भैया मैं नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगा। तो बोला भाई चलो भाई ठीक है। तो फिर बोला ऑपरेशन करने पड़ेगा, लड़का का पूरा धड़कन सही था। ठीक। फिर बोला कि 40-50 हज़ार रुपया। मैं बोला भाई देख तू पैसा ले ले, तू लड़का को बचा ले। वहाँ भी कोई नहीं था लड़का करने के बाद। अब क्या चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं? चाहते हैं।